में सेडलर कमीशन आया था, क्यों बना था? कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के समाधान के लिए ये बना था। पर जब सेडलर जी ने देखा कि ये समस्याएं सिर्फ कलकत्ता विश्वविद्यालय में नहीं है, ये माध्यमिक शिक्षा में भी है, तो उन्होंने माध्यमिक शिक्षाओं की समस्याओं पर भी बल दिया था। क्वेश्चन आपका ये आ सकता है, निम्न में से किसने माध्यमिक शिक्षाओं की समस्याओं पर बल दिया था? तो वो था सेडलर कमीशन, डॉक्टर M.E. सेडलर जी ने। ठीक है, कब आया था? 1917 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतनमानों में संशोधन हेतु गठित कमेटी का नाम क्या है? अच्छा क्वेश्चन है ये, मार्क कर लीजिए, स्टार भी लगा लीजिएगा इस पे। मैं क्या करती थी, मुझे जो भी इम्पोर्टेंट लगता था उसको स्टार लगा लेती थी। फिर क्या होता था, एग्जाम के, जैसे मेरा कल एग्जाम है तो मैं आज तो पढ़ाई छोड़ ही देती थी। एक दिन पहले तो मैंने कभी जिंदगी में पढ़ाई की नहीं एग्जाम के पहले, तो उससे एक दिन पहले जो भी मेरी कॉपी में स्टार लगे होते थे उन सबको मैं रट लेती थी कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। और आपकी जो इम्पोर्टेंट कॉपी वाली बुक होगी, हाँ जैसे तुम्हारी है ना इम्पोर्टेंट, हाँ इसकी देखिए सब लोग, जैसे इसकी कॉपी है इम्पोर्टेंट मार्क्स वाली, इम्पोर्टेंट नोट्स वाली, तो इसमें ये नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको एंड टाइम पे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतनमानों में संशोधन हेतु गठित कमेटी का नाम बताओ। मेहरोत्रा कमेटी, सिन्हा कमेटी, शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग? चलिए मैं आपको एक एक ऑप्शन के बारे में बता देती हूँ। पहले हम लेते हैं मुदालियर आयोग। मेरी हिंदी में थोड़ी दिक्कत है तो मुझे देख के लिखना पड़ रहा है, मुदालियर आयोग। ये कब आया था? मुदालियर आयोग आया था 1952 में। मुदालियर आयोग 1952 में आया था। इसको हम माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसने भी सेडलर कमीशन की तरह माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं पर, माध्यमिक शिक्षाओं पर ज्यादा बल दिया। पर मुदालियर आयोग का एक स्टेटमेंट था, मुदालियर आयोग का एक स्टेटमेंट था जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो क्या था स्टेटमेंट? स्टेटमेंट ये था कि जहाँ भी पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर, जहाँ भी पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है, जहाँ भी सार्वजनिक पुस्तकालय नहीं है, वहां पर स्थानीय विद्यालयों की लाइब्रेरी को ही सार्वजनिक विद्यालय बना दिया जाए। एक बार और सुन लीजिए, जहां पर भी सार्वजनिक पुस्तकालय नहीं है, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर, जहां भी सार्वजनिक पुस्तकालय नहीं है, वहां पर स्थानीय विद्यालय मतलब गवर्नमेंट स्कूल को की लाइब्रेरी को ही। हर गवर्नमेंट स्कूल में लाइब्रेरी होती ही होती है, वो बात अलग है कि वहां पे पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन हो या ना हो, पर लाइब्रेरी तो जरूर होती ही होती है। तो हर स्थानीय विद्यालय की लाइब्रेरी को ही पब्लिक लाइब्रेरी बना दिया जाए ताकि वहां पर उपलब्ध सारी बुक्स का प्रयोग वहां के आसपास के लोग आराम से कर सके। ठीक है, तो मुदालियर आयोग जो 1952 में आया था इसका ये स्टेटमेंट था। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला मैं बता देती हूँ आपको सिन्हा कमेटी के बारे में। सिन्हा कमेटी आई थी 1957 में। इसको ये भी पब्लिक लाइब्रेरी के लिए थी। ये किसके लिए थी? इसने पब्लिक लाइब्रेरी पर बल दिया कि हर जगह एक पब्लिक लाइब्रेरी होनी चाहिए ताकि आम लोग आके उस लाइब्रेरी का प्रयोग कर सके। ठीक है, और इसने पब्लिक लाइब्रेरी के प्रयोग के लिए 1957 में ही एक एडवाइजरी कमेटी का उद्घाटन भी करने का सुझाव दिया कि एडवाइजरी कमेटी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एडवाइजरी कमेटी किसने बनाने का वो दिया था, क्या बोलते हैं, वर्ड याद नहीं आ रहा, मांग किसने रखी थी एडवाइजरी कमेटी बनाने की? तो वो रखी थी हमारी सिन्हा कमेटी में जो आई थी 1957 में। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, शिक्षा आयोग 1948। शिक्षा आयोग जो आया था 1948, नाम से ही पता लग रहा है शिक्षा आयोग। हमारा अभी शिक्षक दिवस गया है, किसके याद में मनाते हैं शिक्षक दिवस? कब आता है शिक्षक दिवस? 5 सितंबर को। आप लोगों के भी बहुत सारे फोन कॉल आए, बताए मैम, बता रही थी मुझे आज किरण मैम कि 5 सितंबर को आपने काफी उन्हें विश किया, तो बट 5 सितंबर को हमें पता तो है कि शिक्षक दिवस आता है, पर ये किसकी याद में मनाते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में हम ये सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक बहुत बड़े महान व्यक्तित्व के धनी थे। उनका मानना था कि मेरा जन्मदिन मेरे नाम से नहीं एक शिक्षक के नाम से मनाया जाए। तो शिक्षा आयोग 1948 की अध्यक्षता भी किसने की थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णा जी ने की थी। ये इसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं और इसने
शिक्षा के क्षेत्र में, विश्वविद्यालय के क्षेत्र में काफी योगदान दिया है इस आयोग ने। टाइम टाइम पर हर समस्या के समाधान के लिए मांग रखी है। 1948 में आया था। इन सभी ईयर याद रख लीजिएगा, मुदारियर आयोग 1952, सिन्हा आयोग 1957, शिक्षा आयोग 1948 और मेहरोत्रा कमेटी। नेक्स्ट आती है हमारी मेहरोत्रा कमेटी, ये कब आई थी? 1983 में। ये आरसी मेहरोत्रा की अध्यक्षता में आई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? आरसी मेहरोत्रा। आरसी मेहरोत्रा जी इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने इनका मेहरोत्रा कमेटी का भी एक स्टेटमेंट था। इनका क्या स्टेटमेंट था कि पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतनमान में संशोधन किया जाए, जिससे हर कोई पुस्तकालय अध्यक्ष बनना चाहे। क्योंकि हम किसी भी चीज की तैयारी क्यों करते हैं, हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि भाई इसकी सैलरी कितनी है, इसका वेतन कितना है। जब हमें पता लगेगा कि अरे इसका वेतन तो थर्ड ग्रेड टीचर के बराबर है, 3600 है, 4200 है, तो हम जी जान लगा देंगे कि नहीं हमें तो अब लाइब्रेरियन बनना ही बनना है। तो मेहरोत्रा कमेटी ने क्या किया, पुस्तकालय अध्यक्षों के यानी लाइब्रेरियन के वेतनमानों में संशोधन की मांग रखी। और हमारा क्वेश्चन भी यही था कि पुस्तकालय अध्यक्षों में के वेतनमान में संशोधन के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा मेहरोत्रा कमेटी 1983 में। इसने एक और काम किया था, इसने लाइब्रेरी नेटवर्क सिस्टम की भी मांग रखी थी। लाइब्रेरी नेटवर्क सिस्टम की भी इसने मांग रखी थी। क्वेश्चन आ सकता है कि लाइब्रेरी नेटवर्क सिस्टम की मांग कौन सी कमेटी ने रखी थी? मेहरोत्रा कमेटी में। आप लोग ये लिख लिए, लिख लिया ठीक है, हटा दूं क्वेश्चन, आंसर क्या हो गया? मेहरोत्रा कमेटी। क्या आंसर हो गया? मेहरोत्रा कमेटी। कब आया था? 1983 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी 1988 के अध्यक्ष कौन थे? इसे आप लोग बिल्कुल याद रख लीजिएगा, इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। कौन थे? प्रोफेसर यशपाल, ठीक है, बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश एमपी पुस्तकालय संघ का स्थापना वर्ष क्या है? एमपी पुस्तकालय संघ का स्थापना वर्ष क्या है? पहले हम ये देखते हैं पुस्तकालय संघ होता क्या है, संघ क्या होता है। चलो पुस्तकालय का हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं संघ क्या होता है। जैसे इन्होंने 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 और मैंने, हम चारों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि हम आज फोर्थ लेक्चर में या हम 2 बजे संजीव सर की क्लास लेंगे या हम 3 बजे ये क्लास लेंगे, इसमें हम ये करेंगे, इसमें हम ये पढ़ेंगे, हम संजय सर से आज टोपोलॉजी पढ़ेंगे, नेटवर्क पढ़ेंगे। हमने क्या किया, एक टाइम डिसाइड किया, फिर हमने क्या किया, एक टारगेट फिक्स किया। तो संघ भी ऐसे ही करता है, 2 लोग, 4 लोग, पूरा जिला या पूरी पंचायत या पूरे राज्य या पूरा इंडिया, मतलब पूरा देश, इंडिया हमारा देश है, या पूरा राष्ट्र वर्ल्ड, इनमें से कोई भी अगर मिलकर कुछ डिसाइड कर लेता है कि मुझे ये टारगेट लेना है, मेरा एम ये है, तो वो क्या कहलाता है, एक संघ हो जाता है। तो इसी तरह हमारे पुस्तकालय के भी संघ हैं। इन पुस्तकालय संघ का क्या टारगेट है, क्या उद्देश्य है, कि हमें पुस्तकालय शिक्षा में को बढ़ावा देना है, प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है, पुस्तकालय के प्रति जो आंदोलन हो रहे उन्हें हम बढ़ावा दें, ताकि हर जगह लाइब्रेरी का महत्व लोगों को समझ आए, लोग अपनी अपने ज्ञान को बढ़ा सके, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो लाइब्रेरी में जाए, लाइब्रेरी का महत्व समझ पाए। तो इसी तरह हमारे इंडिया में 29 राज्य में पुस्तकालय संघ है। कितने राज्य में? 29 राज्य में पुस्तकालय संघ है। तो इनके इन 29 राज्य के पुस्तकालय संघ का नाम प्लस ईयर आपको याद होना ही चाहिए। 29 राज्य के नाम और पुस्तकालय संघ आप सॉरी ईयर आपको याद होने ही चाहिए कि कौन से राज्य में पुस्तकालय संघ कब आया था। देखिए क्वेश्चन आ गया ना, क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश पुस्तकालय संघ का स्थापना वर्ष क्या है? 1969। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1969 में एमपी का पुस्तकालय संघ आया था। 1969 में एमपी का पुस्तकालय संघ आया था। एमपी का पुस्तकालय संघ कब आया था? 1969 में। कब? 1969 में। मुझे बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन आती है कि मैम हमें ईयर याद नहीं हो पाते। तो दोस्तों मैं ईयर याद करने का आपको एक ट्रिक बताऊं, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ईयर याद करने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, इसे बार बार दोहराइए, बार बार दोहराइए,
1969 एमपी पुस्तकालय संघ, 1969 एमपी पुस्तकालय संघ, 1969 एमपी पुस्तकालय संघ। तो ये हमारे माइंड में अपने आप रिकॉल हो जाएगा जब हम ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। इसका आंसर हो गया सी 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित किया गया था। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित किया गया था। अगर कोई एक्ट बनता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बना था तो इसके पीछे क्या रीजन था? इसके पीछे ये रीजन था कि पटना के एक बहुत प्रतिष्ठित वकील थे, पटना के एक प्रतिष्ठित वकील थे खान बहादुर खुदाबख्श। क्या थे, कौन थे? खान बहादुर खुदाबख्श। इन्होंने क्या किया, 1981 में एक लाइब्रेरी खोली जिसका नाम था खुदाबख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी। 1988 में खुदाबख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी। क्वेश्चन पे भी आएंगे हम, पहले मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। इसके अंदर बहुत दुर्लभ ग्रंथ थे जो बहुत कम मिलते थे, हस्तलिखित ग्रंथ थे, पांडुलिपियाँ थी। तो जब भारत सरकार को पता लगा कि खान बहादुर खुदाबख्श की लाइब्रेरी खुदाबख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी में जो 1891 में स्थापित हुई थी, इसके अंदर दुर्लभ ग्रंथ थे, हस्तलिखित ग्रंथ थे, पांडुलिपियाँ, तो भारत सरकार ने एक एक्ट पारित किया, खुदाबख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। जो कब आया, एक्ट कब आया, 1969 में एक एक्ट आया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया, क्वेश्चन यही था, खुदाबख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया था, 1969 में। तो जब भारत सरकार ने देखा कि बहुत दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथ है तो उसने एक्ट पारित किया, खुदाबख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1969 में। उसके तहत इसने इसको भारत का एक राष्ट्रीय संस्थान घोषित कर दिया। किसको, खुदाबख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी को 1969 में एक एक्ट पारित हुआ जिसके तहत भारत का राष्ट्रीय संस्थान घोषित कर दिया। उसके बाद ये एक्ट बाद में संशोधित भी हुआ था 1981 में। तो खुदाबख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेटेड आपको तीन ईयर याद रखने, 1891 में खुदाबख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी बनी थी, 1969 में एक्ट आया था और इसका रिवाइज हुआ था 1981 में। अभी क्वेश्चन आपका यह आया है कि खुदाबख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया था, इसी में क्वेश्चन ये भी बन सकता है खुदाबख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी कब आई थी, तो 1981 में। या क्वेश्चन ये बन सकता है कि खुदाबख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का रिवाइज संशोधन रूप कब आया था, 1981 में, ठीक है। और 1969 में हमारी दो चीजें हो चुकी है, दो क्वेश्चन आ गए ना हमारे, एमपी का पुस्तकालय संघ, एमपी का पुस्तकालय संघ बना और खुदाबख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया, ठीक है। तो इस तरह भी आप याद कर सकते हैं, जैसे ईयर लिखा उसके साथ तीर लगा दो आप लोग, जैसे एक ईयर लिख दिया उसमें एरो लगा दो कि अच्छा इसमें ये भी हुआ था, इसमें ये भी हुआ था, इससे भी आपको याद रह जाएगी चीजें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1969, क्या हुआ, 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपीराइट एक्ट कब लागू किया गया था, कॉपीराइट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटेंट भारत में कितने वर्ष के लिए आया था, पेटेंट। दोनों में क्या डिफरेंस है, कॉपीराइट एक्ट और पेटेंट में क्या डिफरेंस है, दोनों ही बौद्धिक संपदा अधिकार है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट है। पर क्या डिफरेंस है कॉपीराइट और पेटेंट में, दोस्तों कॉपीराइट और पेटेंट में एक बेसिक डिफरेंस है, जो कॉपीराइट होता है वो सिर्फ ऑथर के लिए होता है, जो ये होता है वो सिर्फ लेखक के लिए होता है, अदर लोगों के लिए कॉपीराइट नहीं होता है। जैसे मैंने एक एसी लगाया तो एसी का इन्वेंट कर दिया तो कॉपीराइट नहीं होगा, उसमें क्या होगा, पेटेंट होगा, अदर चीज़ों के लिए और उद्योगों से रिलेटेड चीज़ों के लिए पेटेंट होता है। बेसिक डिफरेंस हमारा यही है, कॉपीराइट होता है लेखक के लिए, मैंने आज कोई नई बुक लिखी है तो मैं पेटेंट नहीं करवाऊंगी, कॉपीराइट करवाऊंगी। अगर मैंने कोई एसी या कोई सॉफ्टवेयर या किसी भी चीज़ का आविष्कार किया है, नया इन्वेंट किया है, तो मैं कॉपीराइट नहीं करवाऊंगी, मैं क्या कराऊंगी, पेटेंट, ठीक है। तो सबसे पहले कॉपीराइट कब आया था, सबसे पहले कॉपीराइट आया था 1710 में इंग्लैंड में, कब आया था, 1710 में इंग्लैंड में, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, कॉपीराइट एक्ट कब लागू किया गया, तो भारत में कॉपीराइट एक्ट आया था 21 जनवरी 1958 में, कब आया था,
21 जनवरी 1958, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन देखिए आप लोग, 21 जनवरी 1958 में, और इसका रिवाइज्ड कब हुआ था? 2012 में। 21 जनवरी 1958 में तो आया था, इसका संशोधन हुआ था 2012 में। और ये कब तक लागू होता है? ये लागू होता है लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष तक। कॉपीराइट एक्ट एक बौद्धिक संपदा अधिकार है, ये उद्योगों के लिए, ये सॉरी 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 ये लेखक के लिए दिया जाता है। ये कब आया था? 21 जनवरी 1958 में, इसका संशोधन हुआ था 2012 में। और ये कब तक लागू रहता है? ये लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष तक लागू रहता है। ठीक है, पर अब एक क्वेश्चन है जो आप लोगों के माइंड में आना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, मैं खुद बता देती हूँ। मान लो कोई भी बुक है, उसके 3 लेखक है, 4 लेखक है, 5 लेखक है। ठीक है, एक बुक है उसके 3 लेखक हैं, ये 3 लेखक हैं। ठीक है, तो अब 60 वर्ष, किसकी मृत्यु के 60 वर्ष? इसकी, इसकी या इसकी? किसकी मृत्यु के 60 वर्ष? तो नहीं, तब कंडीशन क्या होगी? 60 वर्ष सिर्फ कब? जब एक ही लेखक हो, और बाकी अगर एक से ज्यादा हो, 1+ हो, एक से ज्यादा हो, तो हम क्या करेंगे? तो कब तक होगा ये? जो लास्ट लेखक होगा, मतलब मृत्यु के लास्ट में, पहले इसकी मृत्यु हो गई, फिर इसकी हो गई, अब बचा ये। तो तीनों में से या चारों में से जितने भी लेखक होंगे, उनमें से जिसकी मृत्यु सबसे लास्ट में होगी, उसके 50 वर्ष तक, उसके 50 वर्ष तक कॉपीराइट एक्ट लागू रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लेखक है तो 60 वर्ष, एक से ज्यादा है तो जिसकी मृत्यु लास्ट में होगी, उसके 50 वर्ष तक ये लागू रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? कॉपीराइट एक्ट कब लागू किया गया? बता दिया मैंने आपको, 21 जनवरी 1958, और संशोधित रूप आया था 2012 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटेंट भारत में कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? पेटेंट, अब पेटेंट का भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं अपन। पेटेंट आया था 19 सितंबर 1970 में, 1970 में पेटेंट आया था, और ये सिर्फ 20 ईयर तक, 20 साल तक रहता है। इसमें मृत्यु का कोई नहीं है चक्कर, इसके अंदर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, 20 साल तक, जैसे बनेगा, जैसे उसका पेटेंट होगा, 20 साल बाद वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा उसका पेटेंट। वो दोबारा भी ले सकता है, वो आगे का प्रोसेस है। आया कब था? 19 सितंबर 1970, और ये कब आया था? 21 जनवरी 1958 में। क्वेश्चन का था क्या था? पेटेंट भारत में कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? तो 20 वर्ष के लिए, डी ऑप्शन हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसरशिप का अर्थ क्या है? सेंसरशिप का अर्थ क्या है? सेंसरशिप, हम मूवी देखते हैं, हम लोग कई बार मूवी देखते हैं, तो हमने पद्मावती भी मूवी देखी थी। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ। पद्मावती मूवी में क्या दिक्कत आई थी? कि एक सेंसरशिप बोर्ड था, हमने बहुत सुना था कि मूवी अच्छी नहीं है, तो सेंसरशिप बोर्ड ने उस पर रोक लगा दी है। तो सेंसरशिप बोर्ड क्या करता है? मूवी के अंदर जो भी चीजें ऐसी होती हैं जो पब्लिक को देखने लायक नहीं होती, वह उन्हें हटा देता है। वैसे ही हमारी लाइब्रेरी में भी सेंसरशिप बोर्ड होता है, हमारी लाइब्रेरी में भी सेंसरशिप बोर्ड होता है। ये क्या करता है? एक बुक आई है, उस बुक का मूल्यांकन करता है कि ये चीज, ये मटेरियल पाठक के पढ़ने योग्य भी है या नहीं है। इस चीज को पढ़ के पाठक के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? तो ये क्या करता है? उस बुक का मूल्यांकन करता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? सेंसरशिप का अर्थ है रोक लगाना, मूल्यांकन करना, मना करना, जारी करना। तो क्या आंसर हो जाएगा? बी, मूल्यांकन करना। और ये एक लेटिन भाषा के शब्द, ये भी याद रखिएगा, लेटिन भाषा के शेंशो शब्द से बना है, लेटिन भाषा के शिंशो शब्द से बना हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी, मूल्यांकन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, पाठकों को पुस्तकालय तक लाने हेतु किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? पाठकों को पुस्तकालय तक लाने हेतु किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? रीडर्स को लाइब्रेरी तक लाने वाला कार्य क्या कहलाता है? ए, विस्तार सेवा, पाठक दीक्षा, जनसंपर्क कार्य, या उपभोक्ता शिक्षा। इसके सारे ऑप्शन बता देती हूँ मैं आपको। ए आता है विस्तार सेवा। विस्तार सेवा 3 तरह की होती है, प्रचार सेवा, प्रसार सेवा
और जनसंपर्क सेवा। पहला ऑप्शन क्या था हमारा? पाठ विस्तार सेवा। ठीक है, विस्तार सेवा तीन तरह की हो गई, प्रचार सेवा, प्रसार सेवा और जनसंपर्क सेवा। प्रचार सेवा क्या होती है? प्रचार सेवा ये होती है, मैं इस रूम में हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे रूम से बाहर निकलने वाला व्यक्ति इस रूम में आके देखे कि इस रूम में क्या चल रहा है। मतलब अपनी सीमा में रहकर ही पाठकों को पुस्तकालय की ओर आकर्षित करना ही प्रचार सेवा के अंतर्गत आता है। कैसे कर सकते हैं? मैं तो उससे कांटेक्ट में ही नहीं हूँ, फिर वो कैसे, उसको कैसे पता लगेगा कि यहाँ लाइब्रेरी है, यहाँ पे कुछ हो रहा है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट करेंगे या कोई गतिविधि करेंगे, या फिर हम लाइब्रेरी की जो बिल्डिंग होगी उसको इतना अट्रैक्टिव बना देंगे, जैसे हमारी मोतीसंद ज्वेलर्स है जयपुर में, उसको देख के हम लोगों को लगता है यार इसके अंदर क्या है, एक बार चल के आना चाहिए। भले हमें सोना खरीदना हो नहीं खरीदना हो, बट हमारी इच्छा जरूर होती है कि हम अंदर जाके देख के आए कि इतना फ्लावर फ्लावर टाइप बना हुआ है, अंदर क्या है। ठीक है, तो इसी तरह लाइब्रेरी का जो बिल्डिंग है उसको इतना अच्छा बना दो, लाइब्रेरी के बाहर इतने अच्छे से डेकोरेट कर दो कि जाने वाला पाठक एक बार तो आके देखे ही देखे कि इसके अंदर क्या है ऐसा। या फिर हम एडवर्टाइजमेंट इतने तरीके से एडवर्टाइजमेंट करो अपनी बुक्स के बारे में, एक एक के बारे में बताओ उस एडवर्टाइजमेंट में, ताकि पाठक ना चाहते हुए भी लाइब्रेरी में आए। तो प्रचार सेवा क्या है, एक तरह से एक सीमित क्षेत्र में रहकर ही पाठकों को पुस्तकालय की ओर आकर्षित करना ही प्रचार सेवा है। प्रसार सेवा क्या है, सीमित क्षेत्र से बाहर निकलकर पर पुस्तकालय सॉरी पाठक से डायरेक्ट कांटेक्ट ना करके करके भी पाठक को पुस्तकालय की ओर आकर्षित करना। मतलब मैं सीमित क्षेत्र में गेट से बाहर तो निकल गई पर मैंने पाठक से कोई बात नहीं करी, फिर भी मैं चाहती हूँ कि पाठक मेरे पास आए। प्रचार सेवा तो क्या थी फर्स्ट वाली, तो कि सीमित क्षेत्र में, रूम से मुझे बाहर निकलना ही नहीं है, सीमित क्षेत्र में रहना है। प्रसार सेवा क्या थी, रूम से बाहर तो निकलना है पर पाठक से बात नहीं करनी है। तो कैसे कर सकते हैं अभी हम कर सकते हैं कि हम बाहर निकले लाइब्रेरी से, छोटी 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 लाइब्रेरी खोल दी मैंने, मैं इस बिल्डिंग से बाहर निकली, समृद्धि क्लासेस से मैं बाहर निकली, मैंने यहाँ भी समृद्धि क्लासेस के ब्रांच खोल दी, एक गोपालपुरा में खोल दी, एक मानसरोवर में खोल दी, एक प्रतापनगर में खोल दी। तो लोग क्या करेंगे, वहाँ के आसपास के लोगों को जो पता लगेगा कि लाइब्रेरी की क्लासेस यहाँ पे भी लग रही हैं, तो लोग अपने आप आएंगे। मैंने उनसे बात नहीं की पर वो अपने आप आए, मैंने क्या किया, शाखा खोल दी जगह जगह। या हम चल पुस्तकालय, जिसे हम लिब्राशीन भी कहते हैं, लिब्राशीन किसे कहते हैं, हम चल पुस्तकालय को, तो हम चल पुस्तकालय के थ्रू भी, चल पुस्तकालय मतलब चलता हुआ पुस्तकालय। ठीक है, या फिर हम किसी भी तरह से इसमें भी हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो इसमें प्रचार सेवा और प्रसार में क्या डिफरेंस हुआ, प्रचार सीमित क्षेत्र में रहकर, प्रसार अपने दायरे से बाहर तो निकलना पर पाठकों से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं करना। ठीक है, जनसंपर्क सेवा, नाम से ही पता लग रहा है, जनसंपर्क सेवा का मतलब क्या हुआ, पाठकों से डायरेक्ट कांटेक्ट करके, जैसे मैं आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर रही हूँ, जो डायरेक्ट कांटेक्ट करके ही पाठकों को अपनी लाइब्रेरी की ओर आकर्षित करवाना। जैसे मैंने एक पंपलेट बना दिया, उसमें मैंने लिख दिया कि रंगानाथन जी की मेरे पास 10 बुक हैं, टैगोर जी की मेरे पास 15 बुक हैं, और ये पंपलेट मैंने हर एक को दे दिए। तो उससे क्या होगा, जब बच्चा पढ़ेगा, पाठक पढ़ेगा कि अच्छा अच्छा मुझे तो रंगनाथन जी की बुक चाहिए थी, तो वो आके लाइब्रेरी में अपने आप आ जाएगा। जैसे हर कोचिंग इंस्टीट्यूट यही तो करता है, हम वो बताता है कि हमारे ये फैसिलिटीज हैं, हमारी ये क्लास लगा जाएगी, हमें ये टीचर पढ़ाया जाएगा। तो पाठक क्या करते हैं, कॉम्पिटिशन वाले बच्चे क्या करते हैं, उस पंपलेट को पढ़ते हैं और फटाफट से कोचिंग में आ जाते हैं। तो ये क्या हो गया, जनसंपर्क सेवा कहलाती है ये। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पाठक दीक्षा। पाठक दीक्षा, पाठकों को लाइब्रेरी के बारे में दीक्षा देना, शिक्षा देना। ठीक है, जनसंपर्क कार्य मैंने आपको बता ही दिया, दी है उपभोक्ता शिक्षा। उपभोक्ता शिक्षा क्या होगी, लाइब्रेरी के उपभोक्ता कौन है, लाइब्रेरी के उपभोक्ता है पाठक, पाठकों को शिक्षा देना ही उपभोक्ता शिक्षा कहलाती है। तो इसके आंसर आई थिंक सब होंगे, इसके आंसर है सभी। एक और मार्क कर लीजिए आप ई, इसका आंसर गलत दे रखा है, इसका आंसर हो गया सभी। पाठकों को पुस्तकालय तक लाने हेतु किया जाने वाला कार्य विस्तार सेवा भी होगी, पाठक दीक्षा भी होगी, जनसंपर्क कार्य भी होंगे और उपभोक्ता शिक्षा भी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएलए। आईएलए की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई है, आईएलए
इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय पुस्तकालय संघ। मैंने आपको पुस्तकालय संघ के बारे में बताया था कि वो एक पंचायत स्तर पर भी हो सकता है, जिला स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी और एक देश के स्तर पर भी। तो ये हमारा एक देश स्तर पर है, हमारे इंडिया के स्तर पर बनाया हुआ पुस्तकालय संघ है, जिसमें कई देश कई राज्य आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमें अब लाइब्रेरी के क्षेत्र में क्या करना है। आईएलए, ठीक है। आई क्वेश्चन क्या था, आईएलए की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? आईएलए की स्थापना की गई थी सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में। चलो हमने ये तो रट लिया कि आईएलए की स्थापना की गई थी सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में, सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में। पर क्वेश्चन एक और आ सकता है कि कौन सी धारा के तहत की गई थी, कौन सी धारा के तहत की गई थी? तो संविधान की धारा 62 के अंतर्गत, संविधान की धारा 62 के अंतर्गत संघीय सूची के 7वें परिशिष्ट में। एक बार और सुनिए, संविधान की धारा 62 के अंतर्गत संघीय सूची के 7वें परिशिष्ट में आईएलए की स्थापना की गई थी। आईएलए की स्थापना की गई थी 12 या 13, किसी बुक में 12 लिखा है, किसी बुक में 13 लिखा है, तो आप लोग जो ऑप्शन है वो लिख देना, 12-13 सितंबर 1933 में सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में, 62 धारा के अंतर्गत संघीय सूची के 7वें परिशिष्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए, सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में। और इसका कार्यकाल कहाँ है, इसका कार्यकाल है कलकत्ता में, कलकत्ता में तो था, कलकत्ता में इसका 12 वर्ष तक रहा था, और अभी इसका कार्यकाल है दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में मुखर्जी नगर में, दिल्ली में मुखर्जी नगर में अभी इसका कार्यकाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आईएलए संविधान के लागू होने का वर्ष क्या है? आईएलए संविधान के लागू होने का वर्ष क्या है? जो हमने ये पढ़ा था ये एक्ट था, अब संविधान भी तो बना, तो संविधान कब बना? 1949 में संविधान बना था। तो आईएलए के संविधान बनने का वर्ष कितना है? 1949 में इसका संविधान बनके तैयार हो गया था। और रिवाइज कब हुआ था ये? 1964 में, और अगेन रिवाइज हुआ था 1981 में। मतलब आईएलए में हमें चार डेट याद रखनी है, 1860 में तो एक्ट आया था, 1949 में संविधान, रिवाइज 1964, 1981 दो बार रिवाइज हुआ था। ठीक है, तो 1949 बी आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएलए के प्रथम संस्थापक कौन थे? आईएलए के प्रथम संस्थापक कौन थे, फर्स्ट संस्थापक कौन थे इसके? एम ओ थॉमस बी ऑप्शन, एम ओ थॉमस इसके फर्स्ट संस्थापक थे। और अभी कौन है? बी डी कुमार जी। वर्तमान में कौन है, प्रेजेंट टाइम में कौन है? बी डी कुमार। फर्स्ट कौन थे? एम ओ थॉमस, अभी कौन है? बी डी कुमार। और अभी लाइब्रेरियन कौन है, ये भी तो है इम्पोर्टेंट, तो अभी लाइब्रेरियन है के एन झा। फर्स्ट थे एम ओ थॉमस, अभी है अध्यक्ष बी डी कुमार, लाइब्रेरियन है के एन झा। तीनों याद लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा इनको। तो प्रथम संस्थापक कौन है? बी एम ओ थॉमस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएलए के द्वारा प्रदान की जाने वाली उमापति फेलोशिप किसे दी जाती है? आईएलए के द्वारा प्रदान की जाने वाली उमापति फेलोशिप किसे दी जाती है? उमापति फेलोशिप, आईएलए क्या करता है कि बहुत सारी गतिविधियां करवाता है, बहुत सारे अवार्ड देता है, बहुत सारे पुरस्कार देता है। तो उन बहुत सारे जैसे डॉक्टर पीएचडी कुमार बेस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, एलएम पध्या बेस्ट यूनिवर्सिटी अवार्ड, वर्गीस अचीवमेंट अवार्ड। तो आप क्या कीजिएगा, आईएलए की जितनी भी अवार्ड या गतिविधियां उन सबको एक जगह लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन याद रखता है कि फला गतिविधि किसके द्वारा की जाती है, या इस गतिविधि में किसको प्रदान की जाता है ये अवार्ड। तो आईएलए, इफला, यूनेस्को, इन जो संघ हैं इनकी जितनी भी गतिविधियां हैं सब याद कर लीजिएगा, या मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बता दूंगी कि इनकी पर्टिकुलर, जब मैं पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाऊंगी आईएलए इफला, तब मैं आपको ये गतिविधियां बता दूंगी। ठीक है, चलिए आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि आईएलए के द्वारा प्रदान की जाने वाली उमापति फेलोशिप किसे दी जाती है?
लाइब्रेरियन को, बी बी लाइब्रेरियन विद्यार्थियों को, सी एम लाइब्रेरियन विद्यार्थियों को, या डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं उमापति फेलोशिप क्या है। उमापति फेलोशिप है आईएलए के द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय में जो एमलिट कर रहे हैं विद्यार्थी, मास्टर डिग्री ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो कर रहे हैं विद्यार्थी, उनमें से जो टॉप 5 स्टूडेंट है, जो टॉप 5 स्टूडेंट हैं उन्हें ये फेलोशिप मिलती है, उन्हें फेलोशिप मिलती है। पर इसमें भी कंडीशन है, उनमें से 3 गर्ल्स होना अनिवार्य है, उनमें से 3 गर्ल्स होना अनिवार्य है। 5 स्टूडेंट, उनमें से भी 3 गर्ल्स होना अनिवार्य है। और कितनी पुरस्कार राशि? 2000। कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? 2000। तो क्वेश्चन ये था कि कौन से क्षेत्र में प्रदान की जाती है, तो एमलिब के विद्यार्थियों को ये प्रदान की जाती है। ठीक है, आईएलए में मैं आपको एक और चीज बता दूं, मानद सदस्य। मानद सदस्य क्या होते हैं? कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मानद सदस्य क्या होते हैं। मानद सदस्य क्या होते हैं दोस्तों? आईएलए के अंदर जो भी व्यक्ति निशुल्क सेवा अपनी प्रदान करता है उन्हें मानद सदस्य बोला जाता है। सब जब आईएलए बनाई था ना, तब सिर्फ 70 सदस्य ही मानद सदस्य थे। और अब आप बिलीव नहीं करोगे, अभी एट द टाइम 8000 लोग हैं। 8000, पहले 70 थे और अब कितने हो गए? 8000। 8000 लोग ऐसे हैं जो मानद सदस्य हैं आईएलए के, जो निशुल्क अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा लाइब्रेरी साइंस कहीं भी पिछड़ा हुआ नहीं है। हमारा लाइब्रेरी साइंस इंडिया लेवल तक या वर्ल्ड लेवल तक काफी ऊपर उठ चुका है। 8000 लोग इसे अपनी निःशुल्क सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूडीटी 1981 का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? यूडीटी, यूडीटी क्या होता है? यूनिवर्सल डेटा फ्लो टेले कम्युनिकेशन। यूनिवर्सल डेटा फ्लो टेले कम्युनिकेशन, यूडीटी। ये कब आया था? 1981। यूडीटी 1981 किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यूडीटी किया जाता है इफ्ला के द्वारा। इफ्ला, इंडियन फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसके द्वारा ये गतिविधि होती है यूडीटी, यूनिवर्सल डेटा फ्लो टेलीकम्युनिकेशन। यूनिवर्सल डेटा फ्लो टेलीकम्युनिकेशन 1981 में ये आया था। इसके और भी हैं गतिविधि, मैं आपको एक साथ ही बता देती हूँ। यूएपी, यूनिवर्सल अवेबिलिटी पब्लिकेशन, यूनिवर्सल अवेबिलिटी पब्लिकेशन। एंड यूबीसी, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल एंड प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल। ये 4 गतिविधियां हैं जो इफ्ला के द्वारा की जाती हैं, इन्हें याद कर लीजिए। यूडीटी, यूनिवर्सल डेटा फ्लो कम्युनिकेशन, यूएपी, यूनिवर्सल अवेबिलिटी पब्लिकेशन, यूबीसी, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल, पीएसी, प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल। ये चारों गतिविधियां इफ्ला के द्वारा की जाती हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी गतिविधि इफ्ला के द्वारा की जाती है, तो आप डायरेक्ट टिक कर देगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। यूडीटी का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? यूडीटी का प्रकाशन इफ्ला के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन हो गया इसका इफ्ला। यूडीटी क्या है? नाम से पता चल रहा है, यूनिवर्सल डेटा फ्लो, यूनिवर्सल डेटा फ्लो टेले कम्युनिकेशन। ये क्या करेगा? डेटा को पुस्तकालय अध्यक्ष और रीडर के बीच में, सॉरी लाइब्रेरी और रीडर के बीच में डेटा का अपलोड इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा, जैसे डिजिटलाइजेशन होता है। मैं यहाँ हूँ बट मुझे मेडिकल साइंस की एक बुक चाहिए, तो मैंने क्या किया, कल मेरे पाठक ने मुझे आके बोला मैम मुझे लाइब्रेरी के अंदर मेडिकल साइंस की बुक पढ़नी है। तो मैंने क्या किया, उसको कलकत्ता विश्वविद्यालय से कनेक्ट किया, वहाँ से देखा कि हाँ वहाँ पे मेडिकल साइंस की बुक है, वहाँ से परचेज की और अपने पाठक को प्रोवाइड करवा दी। तो लाइब्रेरी और पाठक के बीच में डेटा का संचार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करवाना ही यूनिवर्सल डेटा फ्लो टेलीकम्युनिकेशन कहलाता है। ये कब आया था? 1981 में। कब आया था? 1981 में। और किस कौन प्रकाशित करते हैं? इफ्ला, यूडीटी, यूएपी, यूबीसी और पीएसी, चारों कौन प्रकाशित करता है? इफ्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ्ला के द्वारा सूचना प्राप्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कानून लागू किया गया, फ्रीडम टू एक्सेस एंड फ्रीडम टू
एक्सेस एंड फ्रीडम टू एक्सप्रेस। क्वेश्चन क्या है? सूचना प्राप्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब फ्रीडम टू एक्सेस और फ्रीडम टू एक्सप्रेस, इसका मतलब क्या हुआ? वर्ड से भी समझ सकते हैं हम क्वेश्चन को, मतलब हुआ सूचना को प्राप्त करना और उसको अभिव्यक्त करना। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपना कि सूचना को कौन प्राप्त करेगा और कौन उस चीज को बताएगा। एक लाइब्रेरियन ही तो बताएगा, लाइब्रेरियन ही सूचना को प्राप्त करेगा और अपने पाठक को अभिव्यक्त करेगा बिना किसी डर के, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से। तो ये किसके लिए बनाया गया था? ये एक लाइब्रेरियन के लिए बनाया गया था कानून, और ये आया था 1997 में। बी ऑप्शन है इसका, 1997 में ये कानून आया था, ठीक है। और ये कानून भी इफ्ला के द्वारा ही लाया गया था। ये कानून भी किसके द्वारा लाया गया था? इफ्ला के द्वारा ही लाया गया था 1997 में। इफ्ला आया कब था? 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका नाम क्या था? इंडियन फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरियन एसोसिएशन। फिर इसके अंदर बाद में इंस्टीट्यूट शब्द भी जुड़ा था। इंस्टीट्यूट शब्द कब जुड़ा था? 1976 में। क्वेश्चन आ सकता है कि इफ्ला के अंतर्गत इंस्टीट्यूट वर्ड कब जोड़ा गया? 1976 में। इफ्ला आया कब था? 1927 में। और इंस्टीट्यूट शब्द कब जोड़ा गया था? 1976 में। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 1997 में। फ्रीडम टू एक्सेस और फ्रीडम टू एक्सप्रेस कब आया था? 1997 में। और ये किसके लिए था? ये लाइब्रेरियन के लिए था, न कि रीडर के लिए। ये लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए बनाया गया था इफ्ला के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक कौन है? यूनेस्को बहुत बड़ी एक संघ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जो यूनेस्को के प्रथम महानिदेशक कौन है? यूनेस्को के प्रथम महानिदेशक है आंद्रे अजुले। ये जो ए ऑप्शन है वही इसका आंसर होगा, आंद्रे अजुले। बिल्कुल याद कर लीजिए, कोई समझाने वाला टॉपिक नहीं है ये, इसमें तो आप रख लीजिए। यूनेस्को के प्रथम महानिदेशक कौन है? आंद्रे अजुले। और इफ्ला के कौन है? इफ्ला के प्रथम हमने आई लिखे देख ही लिए थे, केओ थॉमस। और इफ्ला के प्रथम है आइजक कुलीजन। आइजन कुलीजन, आइजन कुलीजन इसके प्रथम अध्यक्ष थे और इसके प्रथम वर्तमान महानिदेशक थे आंद्रे अजुले। आंद्रे अजुले जो फ्रांस से थे, और इसके प्रथम कौन थे? फर्स्ट थे इसके जूलियन हेक्सले। देखिए शुरू से देख लेते हैं अपन एक बार। आईएलए के प्रथम संस्थापक थे, मैंने यहाँ लिखा भी था, एसओ थॉमस। एसओ थॉमस जो क्वेश्चन नंबर 18 में है, 18 में है आपके। और फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट थे एसओ थॉमस। और अभी कौन है? बीडी कुमार। आईएलए के कौन है? एसओ थॉमस फर्स्ट थे और अभी कौन है? बीडी कुमार। इसी तरह इफ्ला के फर्स्ट थे आइजक कुलीजन। आइजक कुलीजन उसी तरह यूनेस्को के फर्स्ट थे जूलियन हेक्सले और अभी कौन है? आंद्रे अजुले। आंद्रे अजुले आंसर हो जाएगा ए, आंद्रे अजुले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यूनेस्को द्वारा प्रतिपादित योजना है, हमने इफ्ला द्वारा देखी थी, यूडीटी यूएपी यूबीसी पीएसी हमने चार देखी थी, वो इफ्ला के द्वारा थी। अब हम यूनेस्को के द्वारा देखेंगे कि यूनेस्को ने कौन कौन सी गतिविधियां करवाई हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं। यूनेस्को द्वारा प्रतिपादित योजना है यूएपी, नहीं हम यूएपी किसकी है? यूएपी है इफ्ला की। नेक्स्ट है यूबीसी, हमें पता है यूबीसी भी इफ्ला की है। थर्ड आती है पुस्तक कूपन पद्धति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुस्तक कूपन पद्धति। ये आई थी 1948 से 53 के बीच में। किसके द्वारा आई थी? पुस्तक कूपन पद्धति। ये कौन लेके आया था? ये लेके आया था यूनेस्को। इसके अंदर क्या था? पुस्तक कूपन पद्धति के अंदर क्या था? कस्टम से संबंधित या विदेशी मुद्रा पर जितना भी टैक्स लगता था उसे कम करना या उससे आ रही समस्याओं को समाधान करने की मांग रखी गई थी पुस्तक कूपन पद्धति में, जो कब आई थी? 1948 से 53 के बीच में। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कौन लेके आया था? यूनेस्को लेके आया था। तो यूनेस्को द्वारा प्रतिपादित योजना है सी, पुस्तक कूपन पद्धति। देखिए अगर आईएलए इफ्ला यूनेस्को में से एक दो की भी अगर आप गतिविधि याद कर लेंगे तो आप
एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे अपन को इफला की याद थी। अब अपन ने देखा यूएपी, यूएपी तो इफला की है, यूबीसी भी इफला की है, सी पे आए तो, और फिर डी पे आए, डी पे प्रतिरक्षण योजना, ये भी इफला की है। प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल पीएसी बताया था मैंने आप लोगों को, वो इसी का पार्ट है। तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली निकल गया, पुस्तक कूपन पद्धति, एलिमिनेट करके मतलब ऑप्शन को क्रॉस करके भी आपका आंसर निकल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति किसकी योजना है? राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति नेपलिस, नेशनल पॉलिसी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, नेपलिस। नेपलिस किसकी योजना है? नेपलिस आरआरएलएफ की योजना है। हमने आईएनई की देखी, इफला की देखी, यूनेस्को की देखी, अब हम आरआरएलएफ की देखेंगे। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, आरआरएलएफ, आरआरएलएफ की नेपलिस एक योजना थी। डीपी चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई थी 1985 में। डीपी चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई थी, उसके अंतर्गत नेपलिस की स्थापना की गई थी। नाम से ही पता लगता है, नेशनल पॉलिसी ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस से संबंधित जितनी भी इंडिया स्तर पर पॉलिसी बनाई जानी है उसका काम नेपलिस ही करता है। ये किसकी गतिविधि है? आरआरएलएफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो गया सी, आरआरएलएफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रंथाना किसका प्रकाशन है? आरआरएलएफ की मैं और प्रकाशन बता देती हूँ आपको। आरआरएलएफ की तीन प्रकाशन याद रखनी है आपको, ग्रंथाना, टैगोर और आरआरएलएफ न्यूज़लेटर। ये तीनों आप याद रख लीजिए, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। तो ग्रंथाना किसका प्रकाशन है? आरआरएलएफ का, टैगोर आरआरएलएफ और आरआरएलएफ न्यूज़लेटर आरआरएलएफ का। इसका तो देख के पता लग जाएगा, नाम में आरआरएलएफ आ रहा है, टैगोर और ग्रंथाना भी आरआरएलएफ का है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का। तो ग्रंथाना किसका प्रकाशन हुआ? सी ऑप्शन हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेटवर्क के डिजाइन को नेटवर्क कहते हैं, नहीं इसमें नेटवर्क को क्रॉस कर दीजिएगा, क्या कहते हैं? नेटवर्क की जगह क्या लिखना है? क्या। नेटवर्क के डिजाइन को क्या कहते हैं? सर्वर, प्रकार, आर्किटेक्चर या ट्रांसमिशन। जब हमें कोई घर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? हम ऐसे थोड़ी करते हैं कि हम कंप्यूटर पे कुछ भी बना देते हैं या कारीगर को बुलाते हैं, उसको बोलते हैं तेरे को जो बनाना है बना दे। हम ऐसा नहीं करते ना, हम क्या करते हैं, किसी आर्किटेक्चर को बुलाते हैं, उसको हम बोलते हैं कि हमारा ये प्लॉट है इतने बाई इतने का है, हमें इतने रूम चाहिए, इतना बेडरूम चाहिए और इतनी बड़ी हमारी किचन होनी चाहिए, अब तू तेरे हिसाब से बता दे हमें कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ बनानी है। तो आर्किटेक्चर ने क्या किया, सारी डिमांड को सुना, उसके बाद उसने उस घर को डिजाइन किया कि आपका रूम यहाँ होना चाहिए, आपका किचन यहाँ होना चाहिए, हॉल यहाँ होना चाहिए। तो इसी तरह नेटवर्क में भी होता है। नेटवर्क में क्या होता है, हमें सारी पॉसिबिलिटी पता है, हमें नहीं बनाने वाले को सारी पॉसिबिलिटी पता होती है कि हमें यहाँ से यहाँ नेटवर्क लाना है, यहाँ से ये कनेक्ट करना है, पर इसको डिजाइन कौन करता है? एक आर्किटेक्चर। नेटवर्क का भी आर्किटेक्चर होता है, जिस तरह मकान का आर्किटेक्चर होता है उसी तरह नेटवर्क का भी आर्किटेक्चर होता है, वो बताता है, वो डिजाइन करता है। तो नेटवर्क के डिजाइन को क्या कहेंगे? सी, आर्किटेक्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह प्रोग्राम जो ईमेल संदेश देने की अनुमति देता है, वह प्रोग्राम जो ईमेल संदेश देने की अनुमति देता है। ईमेल क्या होता है? ईमेल भेजते हैं ना अपन, बहुत बार भेजते हैं, ईमेल आईडी भी बनी होती है हमारी। ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसमें क्या होता है, हम हमारे संदेशों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। पहले के ज़माने में क्या करते थे, हम पत्र लिखते थे। आपने मूवीज देखे ना, उसमें वो बॉर्डर पे जो सिपाही लोग होते हैं वो अपनी घर को, घर वालों को लिखते हैं, और एक गाना भी है संदेशा जा जा। तो अब ये ज़माना गया, अब क्या होता है, व्हाट्सअप मैसेजिंग, ईमेल। तो इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम हमारे संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो ईमेल, क्वेश्चन क्या था, ईमेल संदेश देने की अनुमति क्या होता है। पहले मैं ईमेल के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। ईमेल क्या होता है, इसमें एक सर्वर होता है। ईमेल भेजने में एक सर्वर होता है जिसे हम बोलते हैं मेलिंग सर्वर, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेलिंग सर्वर।
एक सर्वर होगा जिसे हम मेलिंग सर्वर बोलेंगे, और ईमेल सेंड करने के लिए हम जब ईमेल सेंड होता है तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन आ जाता है, मैंने इसमें से ईमेल पे बहुत सर्च किया कि आपके क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, फिर मैंने इसमें से निकाला कि आपके क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है मेलिंग सर्वर क्या है, मेलिंग सर्वर एक ईमेल भेजने का सर्वर है। एसएमटीपी क्या है, एसएमटीपी ईमेल ईमेल सेंड करने के लिए प्रोटोकॉल बनाया गया है। एसएमटीपी की फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है डाउनलोड, ईमेल आ गया, अब ईमेल को डाउनलोड करने के लिए, ईमेल को डाउनलोड करने के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, POP2 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 2, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 2। ठीक है, तीनों याद रखिएगा, मेलिंग सर्वर, ईमेल भेजने का सर्वर, ईमेल सेंड करने के लिए एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल डाउनलोड करने के लिए POP2 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 2। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, कौन ईमेल संदेश देखने की अनुमति कौन देता है, वेब ब्राउजर, ईमेल आईडी, ईमेल क्लाइंट और इंटरनेट। वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर तो एक तरह का ब्राउजर होता है जो वेब को एक्सेस करने के लिए होता है, जैसे क्रोम, क्रोम हमें ओपन करते हैं तो हम उस पर गूगल डालते हैं, गूगल खुल गया, इस पर हम ईमेल डालते हैं, ईमेल खुल गया, पर ये हमें संदेश देखने की अनुमति थोड़ी देगा, इस ये थोड़े ना है कि हमने गूगल पे डाला ईमेल और बस ईमेल खुल जाएंगे हमारे जितने भी, उससे पहले हमें और भी तो चीज़ें डालनी होगी, जो हमारी ईमेल आईडी होगी वो डालनी होगी, पासवर्ड डालना होगा, उसके बाद हमारे संदेश खुलेंगे। तो वेब ब्राउजर नहीं, वेब ब्राउजर तो क्या हो गया, एक तरह का ब्राउजर हो गया जो ईमेल को एक्सेस करने की अनुमति देता है, संदेश देखने की अनुमति नहीं देता है। क्वेश्चन अगर ये आता कि ईमेल देखने की ईमेल एक्सेस करने मतलब ईमेल को चलाने की अनुमति कौन देता है, तो वेब ब्राउजर। ठीक है, क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये सब। नेक्स्ट है ईमेल आईडी, ईमेल आईडी भी हम डायरेक्ट चला के नहीं देख सकते, ये कहाँ है हमारे पास, ये तो है ही नहीं, ईमेल आईडी डाल दी उससे भी हमारे संदेश नहीं खुलेंगे। नेक्स्ट है ईमेल क्लाइंट या ईमेल एड्रेस, क्लाइंट को ही हम एड्रेस भी बोलते हैं, तो ईमेल क्लाइंट और ईमेल एड्रेस क्या होता है, ईमेल क्लाइंट या ईमेल एड्रेस। दोस्तों ईमेल एड्रेस दो तरह से बनता है, एक तो ईमेल आईडी से और एक होता है डोमेन नेम से। ईमेल आईडी हो गई xyz123@, डोमेन नेम क्या हो गया, gmail.com, yahoo.com, alibaba.com, ye.com, wo.com, बहुत सारे .com। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस है, ईमेल क्लाइंट क्या करता है, हम जैसे ही क्रोम पर क्रोम ओपन किया, मैंने क्रोम ओपन किया, गूगल खुल गया, गूगल पे ईमेल डाला, ये तो हो गया वेब ब्राउजर जो हमें एक्सेस करने की अनुमति देता है। ईमेल खोला, ईमेल पे हमने डाला ईमेल एड्रेस, न कि ईमेल आईडी, ईमेल आईडी नहीं, ईमेल एड्रेस डाला। आईडी में तो सिर्फ ये आएगा xyz@, इससे थोड़ा ना खुल जाएगा, नहीं खुलेगा कभी, आप चला के देख लीजिएगा। तो हमने डाला ईमेल एड्रेस, पूरा डाला हमने ये xyz@gmail.com, yahoo.com या other.com, फिर हमने पासवर्ड डाला, फिर ओपन हुआ, तो फिर हमारे जितने भी मेल हैं, जितने भी संदेश थे, वो सब ओपन हो जाएंगे। तो क्या हुआ, ईमेल को देख, ईमेल के संदेश को देखने की अनुमति किसने दी, ईमेल क्लाइंट या ईमेल एड्रेस ने, तो आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आप लोग को कोई डाउट हो, चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उस चीज़ को और अच्छे से समझा पाऊँ। नेक्स्ट पे आते हैं, www का उपयोग .. के इस्तेमाल से करते कहते हैं, www का उपयोग के इस्तेमाल से कहते हैं, नहीं होगा ये करते हैं, www का उपयोग निम्न में से किसके इस्तेमाल से करते हैं, www पहले इसका मतलब समझिए, वर्ल्ड वाइड वेब। टिम बर्नर्स-ली ने ये, टिम क्वेश्चन आ जाता है, www का आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली जी ने, टिम बर्नर्स-ली ने इसका आविष्कार किया था। www होता क्या है, ऑप्शन का उपयोग किसके इस्तेमाल के लिए करते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन के लिए, ब्राउजर के लिए, सर्च इंजन के लिए, या हाई बैंडविड्थ के लिए। तो ऑप्शन पे नजर डाल लेते हैं अपन,
ए ऑप्शन है इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन। कोई www आपने गूगल पे डाला, गूगल पे डलेगा ये तो, प्ले स्टोर वगैरह पे तो डलेगा नहीं, तो उससे क्या अपन मैसेजिंग करना चालू कर देते हैं, कुछ ऐसा खुल जाता है क्या जिससे अपन मैसेजिंग कर सके? नहीं ना, www गूगल पे अगर हम डालते हैं तो कुछ भी ओपन नहीं होता है, इसके आगे भी हमें कुछ डालना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही क्रॉस हो गया। हम क्वेश्चन को ऑप्शन को क्रॉस करके भी करेंगे जिससे हमें उस चीज को एक्सप्लेन करने में, उस चीज को समझने में आसानी रहे। फर्स्ट ऑप्शन क्रॉस, सेकेंड ऑप्शन ब्राउजर, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन को मैं आपको बाद में समझाऊंगी। सी ऑप्शन है सर्च इंजन। सर्च इंजन तो ठीक है, www डाल के मैंने सर्च कर लिया, बट मुझे www डालना गूगल पे, उससे कुछ भी सर्च नहीं होगा, उसके आगे भी मुझे कुछ डालना पड़ेगा, उसके बाद ही तो वो सर्च होगा। तो सिर्फ www कोई सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट है हाई बैंडविड्थ, नहीं, चलिए ब्राउजर समझा देती हूँ मैं आपको। ब्राउजर क्या है, www में क्या होता है, जैसे श्री समृद्धि क्लासेस, OLX, फ्लिपकार्ट, इनके सबकी नॉलेज है, सबकी जानकारी है, सबकी डिटेल है यहाँ पे। इन तीनों की जानकारी है, जैसे मैं ये पेज खोलूंगी तो ये जानकारी आ जाएगी कि कौन सा पेज कब चालू हो रहा है, कौन से पेज में कौन पढ़ा रहा है। OLX का पेज खोलूंगी तो उसके अंदर ये जानकारी आ जाएगी कि ये पेन कितने का जा रहा है, ये पेपर कितने का बिक रहा है। फ्लिपकार्ट में आ जाएगा कि आज ये फोन कितने का है, ये कपड़े कितने के हैं। तो इन सब की जानकारी जहाँ रहती है उन सबको अपन बोलते हैं वेबसाइट, उन सबको अपन क्या बोलते हैं, वेबसाइट, उन सबको अपन बोलते हैं वेबसाइट। इन सारे वेबसाइट के समूह को हम बोलते हैं वेब डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं, वेब डॉक्यूमेंट। जितनी भी साइट है उन सबको बोलते हैं वेबसाइट, जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सबके समूह को बोलते हैं वेब डॉक्यूमेंट। अब क्या होगा, मैंने एक वेब ब्राउजर पे, वेब ब्राउजर जैसे मैंने ले लिया एक क्रोम, ठीक है, वेब ब्राउजर बहुत तरह के हैं, क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, बहुत सारे के, तो मैंने क्रोम ले लिया। क्रोम पे मैंने डाला गूगल, गूगल ओपन हो गया, गूगल ओपन होते मैंने इस पे डाला www श्री समृद्धि क्लासेस, श्री समृद्धि क्लासेस डॉट कॉम। ब्राउजर लिया क्रोम, क्रोम पे डाला गूगल, गूगल पे डाला www.श्रीसमृद्धिक्लासेस.com। अब ये संदेश कहाँ जाएगा, ये संदेश जाएगा वेब डॉक्यूमेंट में, कहाँ जाएगा, वेब डॉक्यूमेंट में। वेब डॉक्यूमेंट क्या करेगा, वेब डॉक्यूमेंट क्या था, बहुत सारी वेबसाइट का एक समूह था, तो वेब डॉक्यूमेंट ने बोला कि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, अब मैं इस इन्फॉर्मेशन को कहाँ सेंड करूँगा, वेबसाइट पर। तो उसने इस चीज़ को वेबसाइट पर सेंड कर दिया, चेन चलती गई, ब्राउजर से क्रोम, क्रोम से गूगल, गूगल से www.श्रीसमृद्धिक्लासेस, श्री समृद्धि क्लासेस से वेब डॉक्यूमेंट, वेब डॉक्यूमेंट पे सारी साइट का समूह था, वेबसाइट तो वेब डॉक्यूमेंट में वेबसाइट पे सेंड कर दिया, वेबसाइट गया इन सब के पास, उसने सर्च करना शुरू किया, OLX नहीं चाहिए, फ्लिपकार्ट नहीं चाहिए, मित्रा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए श्री समृद्धि क्लासेस। तो इसने उठाया श्री समृद्धि क्लासेस को, इसने बोला कि तेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, गन लेके तैयार हो जा। ये हो गया गन लेके एकदम तैयार कि हाँ हाँ चलो कहाँ चलना है। उठाई इसने गन, आया इसके पास, वेबसाइट ने भेजा गया डॉक्यूमेंट के पास, डॉक्यूमेंट ने भेजा www के पास। तो क्या हुआ, हमने क्या किया, एक ब्राउजर क्रोम ओपन किया, क्रोम के थ्रू हमने www का उपयोग करके चीजों को सर्च कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन हमारा यही तो था, www का उपयोग निम्न में से किसके इस्तेमाल से किया जाता है, www का उपयोग हमने किसके इस्तेमाल से किया, ब्राउजर के थ्रू। समझ में ही बात आप लोगों को, अगर ब्राउजर ही नहीं होता तो हम गूगल कैसे चलाते, गूगल नहीं चला पाते तो हम www किस पे डालते, तो हमने www का उपयोग किसके थ्रू किया, ब्राउजर के थ्रू। www का आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने। समझ आया आप लोगों को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डॉट 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 टॉपोलॉजी में नेटवर्क के घटक समान केबल से जुड़े हुए होते हैं, निम्न में से कौन सी टॉपोलॉजी में नेटवर्क के घटक समान केबल से जुड़े होते हैं, ए बस, बी रिंग, सी मेश, डी स्टार। तो मैं आपको एक एक ऑप्शन बता देती हूँ, ठीक है, उससे आपको समझने में आसानी रहेगी। ए ऑप्शन आता है बस, बस टॉपोलॉजी क्या हो, पहले टॉपोलॉजी क्या होती है पहले वो तो समझो,
आप लोग मुझे बता दो ना, मुझे अगर ध्यान नहीं रहता तो कि आपको क्या समझाना है। तो चलिए टोपोलॉजी, टोपोलॉजी समझाते हैं आपको। टोपोलॉजी क्या होती है? नेटवर्क का भौतिक बनावटी रूप। क्या होता है टोपोलॉजी? नेटवर्क का भौतिक बनावटी रूप। नेटवर्क है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था ना कि घर बनाने के लिए आर्किटेक्चर की जरूरत होती है, वैसे ही नेटवर्क बनाने के लिए भी हमें नेटवर्क के आर्किटेक्चर की जरूरत होती है। तो टोपोलॉजी भी उसी का एक पार्ट है। नेटवर्क का एक भौतिक बनावटी रूप हमारा टोपोलॉजी कहलाता है। टोपोलॉजी कई तरह का होता है। पहला होता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है? एक ब्रॉडकास्ट केबल होती है। ये क्या है? ब्रॉडकास्ट केबल। ब्रॉडकास्ट केबल, इसके अंदर क्या होते हैं? डिवाइस समान दूरी पर जुड़े होते हैं। एक डिवाइस यहाँ जुड़ा है, डिवाइस मतलब कंप्यूटर, एक डिवाइस यहाँ जुड़ा है, एक डिवाइस यहाँ जुड़ा है, एक डिवाइस यहाँ पे और एक डिवाइस यहाँ पे। इन सबके डिस्टेंस सेम रहती है। एक समान केबल होती है, उससे डिवाइस आपस में जुड़े रहते हैं समान दूरी पर। हमने को यहाँ पे एक डेटा भेजा, क्या होगा? इस केबल पे जाएगा, इस कंप्यूटर पे जाएगा, फिर ये कंप्यूटर इसको ले लेगा, उसके बाद इस आगे पास कर देगा, उसके बाद इस पे जाएगा फिर आगे पास कर देगा, इस पे जाएगा फिर आगे पास कर देगा, एंड में इस पे जाएगा। बहुत तेज होता है। सबसे तेज टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी। कम कॉस्ट की है, पर इसके अंदर एक ड्रॉबैक है। हर चीज़ का ड्रॉबैक तो होना ही है। इस चीज़ का ड्रॉबैक क्या है? बाय चांस अगर हमारी ये केबल ही ख़त्म हो जाए, ये केबल ही हमारी ख़राब हो गई, तो इन डिवाइस तक डेटा का संचार कैसे होगा? तो सिर्फ अगर गलती से भी एक केबल ख़राब हो जाए तो हमारा पूरा सिस्टम बिगड़ सकता है। बस टोपोलॉजी में एक समान केबल से हर डिवाइस समान दूरी पर जुड़ा होता है। जब हम डेटा का संचार करते हैं तो एक केबल के थ्रू वो डिवाइस में डिवाइड होता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। परंतु ड्रॉबैक क्या है कि अगर वो केबल ही खराब हो गई तो हम डेटा का आगे संचार नहीं कर पाएंगे। पर इसका बेनिफिट क्या है? ये बहुत सस्ती पड़ती है हमें, ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ती है और सबसे तेज गति से कार्य करने वाली टोपोलॉजी है। ठीक है, सेकेंड है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में नाम से पता लग रहा है रिंग होगी। इसके अंदर जितने भी डिवाइस हैं वो एक सर्कुलर केबल में आपस में जुड़े होंगे। सर्कुलर केबल में आपस में जुड़े होते हैं। इसमें क्या होगा? यहाँ पे ये सब डिवाइस है। ये सब क्या है? डिवाइस। यहाँ डेटा दिया, आगे गया, फिर ये इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे आगे जाते जाएंगे। ये भी तीव्र गति से होती है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ती है, पर इसका भी ड्रॉबैक है। इसका ड्रॉबैक क्या है? मेरा बाई चांस मैंने इसको डेटा दे दिया, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ गया, अब ये खराब हो चुका है डिवाइस हमारा। तो अगर ये खराब हो गया तो हम इससे इसको दे ही नहीं पाएंगे, डेटा यहीं आके रुक जाएगा। अगर एक भी डिवाइस खराब हो गया तो डेटा का आगे संचार नहीं हो पाएगा। बस में तो क्या था? बस में तो क्या था कि अगर ये डिवाइस ही खराब हो गई, ब्रॉडकास्ट केबल खराब हो गई, तो हम डेटा का संचार नहीं कर पाएंगे। रिंग टोपोलॉजी में क्या है कि अगर एक भी डिवाइस खराब हो गई तो हम आगे संचार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसका ये ड्रॉबैक हो गया। नेक्स्ट आती है सी, मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी, मेश में क्या होगा? सब कुछ होच पोच हो जाएगा। होच पोच मतलब एक डिवाइस यहाँ है, एक डिवाइस यहाँ है, एक डिवाइस यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो इसमें क्या होता है मेश टोपोलॉजी में? हर डिवाइस से जुड़ा होता है। ये डिवाइस जो है ये इससे भी जुड़ेगा, ये इससे भी जुड़ा होगा, ये इससे भी और ये इससे भी। वैसे ही जो ये है ये इससे भी जुड़ेगा, ये इससे भी जुड़ेगा, ये इससे भी जुड़ेगा और ये इससे भी जुड़ेगा। मतलब हर डिवाइस आपस में जुड़े हुए होते हैं। पर इसमें क्या होता है, ये जब एक डिवाइस हर डिवाइस सबसे जुड़ा होगा तो बहुत बड़ा बन जाएगा। भौतिक बनावट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, तभी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे इंटरनेट वगैरह के लिए, अदरवाइज इसका उपयोग नहीं किया जाता। ये बहुत जटिल भी है और महंगी भी है, ठीक है, पर ये काफ़ी अच्छी है गुणवत्ता के आधार पर। डी आता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा? स्टार टोपोलॉजी में एक बीच में डिवाइस होगा, उससे सारे डिवाइस आपस में बीच वाले डिवाइस से सब आपस में कनेक्ट होंगे। ये एक डिवाइस है, इससे ये कनेक्ट है, इससे ये कनेक्ट है, इससे ये कनेक्ट है, इससे ये कनेक्ट है, ये बन गया हमारा स्टार। इसके अंदर बेनिफिट है कि अगर हमारी नोड खराब हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बस टोपोलॉजी में क्या थी, ब्रॉडकास्ट केबल खराब हो गई थी तो पूरा सिस्टम खराब था। इसके अंदर अगर ये केबल खराब होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों से कनेक्ट हो पा रहा है। अगर हमारा ये डिवाइस ही खराब हो गया जैसे हमारा इसमें था रिंग टोपोलॉजी में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तीन से कनेक्ट हो पा रहा है। बट इसकी भी एक ड्रॉबैक है, अगर ये ही खराब हो गया तो
अगर बीच का ही खराब हो गया तो इन चारों को कहाँ से संदेश मिल पाएंगे, कहाँ से डेटा मिल पाएगा? तो इसका क्या ड्रॉप है कि अगर बीच की नोड अगर खराब हो गई तो स्टार टोपोलॉजी किसी काम की नहीं बचेगी। तो क्वेश्चन क्या था, निम्न में से कौन सा टोपोलॉजी में नेटवर्क के घटक समान केबल से जुड़े होते हैं? किसमें? बस मैंने आपको बताया ना, नेटवर्क के केबल समान रूप से किसमें जुड़े होते हैं, कौन सी टोपोलॉजी में? बस टोपोलॉजी में। तो इसका आंसर हो गया ए, बस टोपोलॉजी। और इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है, रिंग टोपोलॉजी का आकार कैसा होता है, सर्कुलर। स्टार टोपोलॉजी, ऐसे कौन सी टोपोलॉजी है जिसके अंदर उसका हब, उसका नोड मिड में, मतलब बीच में होता है? स्टार टोपोलॉजी में, स्टार टोपोलॉजी में जो उसका मेन हब है वो उसके मिड में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से एक नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क नहीं है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर, या इनमें से नहीं। नेटवर्क क्या करता है, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ता है। हम बोलते हैं ना कि आपका नेटवर्क खराब था, अरे मेरे तो बहुत सारे नेटवर्क है, मैं ट्रांसफर तो ऐसे ही करवा दूंगा, ऐसे बोलते हैं, सुना है कई लोगों को कि भाई मेरा तो IAS लेवल तक नेटवर्क है, मैं बहुत काम करवा सकता हूँ। तो नेटवर्क क्या होता है, एक चेन, इससे ये, इससे ये, इससे ये, हमारी पहुँच कितनी है। तो निम्न में से कौन सा नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क कई तरह के होते हैं, हम कंप्यूटर में आते हैं, कंप्यूटर में नेटवर्क दो ही तरह के होते हैं, लेन, मेन, वेन, लोकल एरिया नेटवर्क। लेन क्या हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क, ये नाम से पता लग रहा है ये सिर्फ लोकल एरिया होगा, इस कमरे तक या इस ऑफिस तक, बस से ज्यादा नहीं जाएगा। ये एक ऑफिस, एक स्कूल, इतना ही एरिया कवर अप कर पाए, होता है लोकल एरिया नेटवर्क। सेकेंड आता है मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये क्या करेगा, एक सिटी का एरिया कवर करेगा, जैसे पूरे जयपुर, जयपुर का एरिया कवर हो गया, पूरे माधोपुर का एरिया कवर हो गया, तो क्या करेगा, शहर का एरिया कवर करेगा। वाइल्ड एरिया नेटवर्क क्या होगा, एक भौगोलिक क्षेत्र पर, वाइल्ड बहुत बड़े स्तर पर नेटवर्क, भौगोलिक क्षेत्र के स्तर पर नेटवर्क को कवर करेगा। ये लेन और वेन को भी आपस में जोड़ता है, ये क्या करता है, इन दोनों को भी आपस में जोड़ता है, समझ में आई बात। तो क्वेश्चन क्या था, इनमें से कौन सा नेटवर्क नहीं है, लोकल एरिया नेटवर्क है नेटवर्क, वाइल्ड एरिया नेटवर्क भी नेटवर्क है, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्टिकल फाइबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर हो गया बी, बी ऑप्टिकल फाइबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनेट के सर्वर को कहते हैं, इंटरनेट के सर्वर को कहते हैं, सर्वर क्या होता है, पहले हम सर्वर तो देखें, सर्वर क्या होता है, सर्वर एक सर्वर बोल दो या हब बोल दो, जिससे सारी चीजें जुड़ी होती हैं, एक शक्तिशाली कंप्यूटर, एक सर्वर होता है एक शक्तिशाली कंप्यूटर हब टाइप में, जिससे अदर चीजें आपस में जुड़ी रहती हैं, इससे ये डिवाइस भी जुड़ा है, ये डिवाइस और ये डिवाइस आपस में जुड़े हुए रहेंगे। तो सर्वर हो गया, इंटरनेट के सर्वर को क्या कहते हैं, ए रिपीटर, बी होस्ट, सी गेटवे, या डी एंड गेट। तो रिपीटर, पहले मैं आपको रिपीटर बता देती हूँ, रिपीटर क्या होता है, फर्स्ट है इसका रिपीटर। रिपीटर क्या होता है, रिपीटर मतलब होता है रिपीट करना, जैसे म्यूजिक सुन रहे अपन, ठीक है, म्यूजिक सुन रहे, उसमें घर 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 आवाज आ रही है, तो हम क्या करेंगे, रिपीटर लगा देंगे, म्यूजिक के प्लेयर आ रही थी उसमें, ये बहुत सारे क्या बोलते इसको, घर 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 आ रही थी, तो हमने क्या किया, यहाँ पे रिपीटर लगा दिया, यहाँ पे क्या किया मैंने, एक रिपीटर लगा दिया। रिपीटर क्या करेगा, सिग्नल को रीजनरेट कर देगा, रीजनरेट करने का मतलब है शुद्ध चीजों को आगे बढ़ाएगा, अशुद्ध चीजों को वहीं रख देगा। इनमें से शुद्ध क्या था, इनमें से शुद्ध ये था जो ये हमारी लाइन बन रही थी ना वो, तो ये क्या करेगा, शुद्ध चीजों को आगे रख देगा और इन अशुद्ध चीजों को यहीं रोक देगा। रिपीटर क्या करता है, हमारे सिग्नल के साथ जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें वो रीजनरेट कर देता है, अर्थात हमारे सिग्नल के साथ जो भी गलत चीजें हैं, जो भी घर 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 है, उन्हें वो वहीं रोक देगा और उन चीजों जो शुद्ध चीजें होगी उन्हें वो आगे बढ़ा देगा। रिपीटर भी दो तरह के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल, एनालॉग एंड डिजिटल। एनालॉग क्या होता है, एम्पलीफाई नहीं करता, फिल्टर नहीं करता, पर डिजिटल फिल्टर करता है। तो दोनों में भी डिफरेंस है, टाइप भी याद रखिएगा और रिपीटर क्या होता है वो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है होस्ट, होस्ट में आपको बता दूंगी अभी। सी ऑप्शन है गेटवे, गेटवे क्या करेगा, ये गेट है वो गेट है, तो गेट क्या करता है,
एक कमरे को दूसरे कमरे से जोड़ता है। हमारे घर के जो गेट बने हैं वो क्या करते हैं, एक कमरे को दूसरे कमरे से जोड़ते हैं। इसी तरह गेटवे क्या करेगा, एक प्रोटोकॉल को दूसरे प्रोटोकॉल से जोड़ेगा। ठीक है, डी है एंड गेट। एंड गेट क्या होता है, एक लॉजिक गेट होता है। ये एंड गेट क्या होता है, एक लॉजिक गेट होता है। किस तरह बना होता है, ये इस तरह का बना होता है। जब हम दो इनपुट देते हैं तो मिलकर सिर्फ एक आउटपुट निकलता है, ए बी। तो क्या निकलेगा, ए डॉट बी। जैसे मैंने ए में दिया 0 0, तो यहाँ होगा 0 1 0, तो भी 0, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 × 0 0 0 × 1 0 और 1 × 1 1, तो ये इसका बुलेटियन फॉर्म होता है। ठीक है, बुलियन, सॉरी बुलियन फॉर्म होता है ये इसका। एंड एंड गेट एक लॉजिक गेट होता है। इस तरह और गेट भी होता है और इसी तरह नॉट गेट भी होता है। तो इनको भी आप देख लीजिएगा, और गेट, नॉट गेट और एंड। एंड तो मैंने बता ही दिया, नॉट और का भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन डायरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, इंटरनेट के सर्वर को क्या कहते हैं, इंटरनेट के सर्वर को क्या कहते हैं। सर्वर मैंने बताया, सर्वर एक तरह का हब होता है या होस्ट होता है। जैसे मैं आपको होस्ट ही तो कर रही हूँ, मैं क्या हूँ, मैं एक सर्वर हूँ, आप सब मुझे सुन रहे हो, तो आप सब मेरे क्या हो गए, क्लाइंट हो गए, या फिर यूट्यूब वाले जो मुझे देख रहे हैं वो सब भी मेरे क्या हो गए, क्लाइंट हो गए। तो मैं क्या हूँ, एक कंप्यूटर, एक सर्वर, एक होस्ट हूँ जो अपनी जनता को मार्गदर्शन दे रही हूँ। तो सर्वर क्या, तो इंटरनेट का सर्वर क्या कहलाता है, होस्ट। हब, हब भी आ सकता था या ऑप्शन में, या होस्ट भी आ सकता था। तो हमारा ऑप्शन, हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, होस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर हो गया बी, होस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट का संग्रह क्या कहलाता है। मैंने अभी समझाया था ना आपको, जब डब्ल्यू डब्ल्यू समझाया था तब, कि यहाँ पे OLX भी है, यहाँ पे श्री समृद्धि क्लासेस भी है, ये सब क्या है, वेबसाइट है। तो वेबसाइट का संग्रह क्या होगा, वेबसाइट का संग्रह, ए HTML डॉक्यूमेंट, बी ग्राफिक्स फाइल, सी ऑडियो वीडियो फाइल, और उपरोक्त सभी। HTML, जब मैंने आपको ये समझाया था कि हम वेबसाइट जब ओपन करते हैं तो उन वेबसाइट के समूह को वेब डॉक्यूमेंट, उन वेब डॉक्यूमेंट के समूह को हम डब्ल्यू डब्ल्यू पर डालते हैं। और www.shrisambandhiclasses.com जब डाला, तो ये भी तो किसी ने डिजाइन किया होगा ना, कि श्री संबंधी क्लासेस पर ये वाली है, तो ये भी तो किसी ने लिखा होगा, तो उस किसके कोडिंग हुई होगी। तो ये कोडिंग कौन करता है, HTML, HTML। और HTML के फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML के फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये क्या करता है, ये जो वेबसाइट है उनको लिखता है, उनकी कोडिंग करता है। उनकी कोडिंग कौन करता है, वेबसाइट की कोडिंग कौन करता है, HTML। जैसे श्री संबंधी क्लासेस है, OLX है, फ्लिपकार्ट है, तो उनकी कोडिंग कौन करेगा, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बी ग्राफिक्स फाइल्स, ग्राफिक्स फाइल्स आती हैं कई तरह की, गूगल पे हम डालेंगे, हमने डाला श्री संबंधी क्लासेस, तो उसके ऑडियो, उसकी वीडियो, उसकी ग्राफिक्स फाइल सब आ गई, तो ये भी एक वेबसाइट का संग्रह ही हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वर नेटवर्क यूजर के लिए फाइल का संग्रह और प्रबंधन क्या कहलाता है। सर्वर यूजर, सर्वर नेटवर्क, सर्वर मतलब होस्ट, मतलब हब, के लिए फाइल का संग्रह, मतलब इसको स्टोर करना, और इसको मैनेज कौन करता है, वेब। कौन कौन से होते हैं, वेब ब्राउजर मान लो, या www मान लो, ये भी एक वेब है। तो ये क्या करते हैं, फाइल का संग्रह करते हैं और उन्हें कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी, वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद कर लीजिएगा इसको अच्छे से, URL का फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कुछ फुल फॉर्म है जो भी आप याद कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में टाइम बच सके, आप डायरेक्ट उसे बिना ऑप्शन पढ़े भी क्लिक कर सके। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, W3C, W3C की फुल फॉर्म क्या है। W3 मतलब www, वर्ल्ड वाइड वेब, और सी मतलब कंसोर्टियम, ये भी याद कर लीजिए। W3 मतलब 3 बार W, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट अनुमति देता है, ए इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने की, बी वेब पेजिंग की, सी दुनिया भर में सर्वर के साथ जुड़ने की, या डी उपरोक्त सभी। इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने की। जब हमने ईमेल पढ़ा था तब हमने देखा था
ईमेल को एक्सेस करने के लिए, ईमेल को चलाने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजने के लिए हमें इंटरनेट की तो ज़रूरत पड़ेगी, वेब ब्राउजर की ज़रूरत तो हमें पड़ेगी ना। जब तक हम वेब ब्राउजर नहीं चलाएंगे, उस पर हम गूगल नहीं डालेंगे, जब तक हम ब्राउजर को ओपन नहीं करेंगे, उस पर हम क्रोम या फिर कुछ भी नहीं डालेंगे, फिर हम गूगल डालेंगे, फिर हम ईमेल डालेंगे, तभी तो हम ईमेल एड्रेस डाल पाएंगे। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ गई? वेब ब्राउजर की। और वेब ब्राउजर किसके थ्रू ओपन हुआ? इंटरनेट के थ्रू। ये सब जनों का देवता है कंप्यूटर में। गॉडफादर कौन है कंप्यूटर का? इंटरनेट। एक तरह से इंटरनेट ही सबका गॉडफादर है। इंटरनेट बंद तो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली बंद, ठीक है। तो इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब ईमेल भेजने की अनुमति देता है, ठीक है। वेब पेजिंग देखने की, वेब पेजिंग मतलब वेबसाइट, वेब पेजिंग वेबसाइट ही होती है, बिना इंटरनेट के हम वेब पेजिंग भी नहीं देख सकते हैं। सी दुनिया भर में सर्वर के साथ जुड़ने की, सही है। आप मेरा चैनल देख पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो, तो सिर्फ इंटरनेट के थ्रू। अगर आप अपना फ़ोन का इंटरनेट बंद कर दीजिए, फिर यूट्यूब चलाइए, मैं थोड़ी ना दिखूंगी फिर आपको, नहीं ना, तो मैं कैसे दिख पाऊँगा आपको? इंटरनेट के थ्रू। तो सी भी सही है, ऑडियो उपरोक्त सभी मतलब सारे सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईमेल द्वारा किस प्रकार का डेटा भेज सकते हैं? ईमेल द्वारा किस प्रकार का डेटा भेज सकते हैं? वीडियो, ऑडियो, पिक्चर या इनमें से कोई नहीं। ईमेल में एक ईमेल बॉक्स बना, जब हम ईमेल एड्रेस डाल देते हैं तो हमारा ईमेल खुलता है, ठीक है। उसमें या साइड में लिखा होता है प्लस कंपोज। कंपोज मतलब होता है कि हम ईमेल भेज सकते हैं। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा एक बॉक्स खुल जाता है, उसमें लिखा होता है फ्रॉम टू सी सी बी सी सी, नीचे लिखा होता है अटैच फाइल, इंसर्ट लिंक, अटैच वीडियो ऑडियो सब कुछ, ठीक है। तो ईमेल द्वारा किस प्रकार का डेटा भेज सकते हैं? हम वीडियो भी भेज सकते हैं, मैंने बताया अटैच फाइल में सब आ गया, वीडियो ऑडियो पिक्चर। चलो मैं एक और क्वेश्चन आपको बता देती हूँ, ये कई बार क्वेश्चन आया है, अभी मैंने पता नहीं कौन सा एग्जाम दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें भी एक क्वेश्चन था फसाई, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई का एग्जाम हुआ था अभी लाइब्रेरी साइंस में। एक्सपीरियंस मांगा था तो शायद आप लोगों ने नहीं भरा हो, बट मैंने भरा था फसाई का एग्जाम। उसके अंदर सीधे सीधे मेरा क्वेश्चन आया था कि सीसी और बीबीसी में क्या डिफरेंस है, सीसी और बीबीसी में क्या डिफरेंस है, सीसी और बीबीसी में क्या डिफरेंस होता है? फ्रॉम मतलब किस मतलब मैं आपको, जैसे मैं आपको मेल भेज रही हूँ तो मेरा नाम आ जाएगा यहाँ पे ज्योति। फ्रॉम मतलब किसके द्वारा? मेरे द्वारा भेजा जा रहा है आपको। टू मतलब हो जाएगा आपका नाम, पर मुझे सिर्फ आपको नहीं भेजना, मुझे आपको भी भेजना है, आपको भी भेजना है, आपको भेजना है, मुझे 12-13 लोगों को एक साथ भेजना है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें सबकी आईडी डाल दूंगी, इसमें भी सबकी आईडी डाल दूंगी। पर फ़र्क क्या हुआ सीसी और बीबीसी में? सीसी और बीबीसी में फ़र्क ये हुआ कि जब ये मेल आपको मिलेगा, जब ये मेल आपको मिलेगा, अगर जो मैंने अगर नाम सीसी में डाला है तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि उनके भी ईमेल आईडी आ जाएंगे, इसके भी। मतलब सीसी में डाला हुआ मेल आईडी का सबको पता लगता है। जैसे मैंने यहाँ भेजा, मैं भेज रही हूँ जया को, तो सीसी में, और मैंने किस किस को भेजा? निकिता को भेजा, श्वेता को भेजा एंड अदर को भेजा। तो निकिता को पता लग जाएगा कि मैंने ये मेल किस किस को भेजा है, क्योंकि उसके अंदर मेल आईडी आ जाएगी। मैंने ये मेल जया को भी भेजा, श्वेता को भी भेजा और अदर को भी भेजा, तो निकिता को ये आइडेंटिफाई हो जाएगा सीसी के अंदर कि मैंने ये मेल अदर को भी भेजा है। परंतु यही सेम चीज़ अगर मैं सीसी में ना लिखूँ, मैं यही सेम चीज़ इसमें लिखूँ बीबीसी में, तो मुझे तो निकिता को नहीं पता लगेगा कि मैंने ये मेल किसको भेजा है। तो डिफरेंस क्या हुआ, सीसी में डाला गया ईमेल आईडी का, ईमेल आईडी वालों को पता लग जाता है कि ये मेल किस किस को भेजा गया है, बट बीबीसी में भेजा गया मेल वाले पर्सन को ये पता नहीं लग पाता कि ये मेल मेरे अलावा और किस किस को भेजा गया है। बीसीसी में चीज़ें हाइड हो जाती हैं, छुप जाती हैं अदर लोगों की मेल आईडी, जबकि सीसी में छुपती नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में आ जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। निम्न में से क्या एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है? लेन, डीएसएल, रैम और यूएसबी। इनमें से नेटवर्क तो सिर्फ लेन ही है
और ये छोटा भी है, तो लोकल एरिया नेटवर्क, मैंने अभी समझाया था आपको लोकल एरिया नेटवर्क, तो क्या हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट डॉट डॉट का उदाहरण है लैन मेन वैन वाईफाई। मैंने आप लोगों को बताया ना अभी कि बिना इंटरनेट के हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोकल एरिया नेटवर्क ये भी एक नेटवर्क है, बिना इंटरनेट के नेटवर्क काम ही नहीं आ सकता, तो ए लैन लोकल एरिया नेटवर्क बिना इंटरनेट के चल ही नहीं पाएगा, बी मेन ये भी बिना नेटवर्क के चल नहीं पाएगा क्योंकि सब नेटवर्क है, नेटवर्क बिना इंटरनेट के चल नहीं पाता, वैन ये भी बिना नेटवर्क बिना इंटरनेट के नहीं चल पाएगा, वाईफाई वाईफाई तो चलता ही नेटवर्क से, हमारा जब इंटरनेट नहीं चल रहा होता है तभी तो हम सामने वाले को बोलते हैं या तेरा वाईफाई ऑन कर दे, क्यों, क्योंकि वो इंटरनेट से चलता है, तो प्रो सभी हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स डोमेन जिसमें उपभोक्ता द्वारा शुरू की गई और व्यवसायिक गतिविधियां शामिल है क्या कहलाती है। ई कॉमर्स क्या होता है पहले वो हम देख लेते हैं, पहले हाँ जैसे कुछ टाइम पहले तक मतलब नेक्स्ट सॉरी पिछले साल तक भी क्या होता था कि मैं मुझे कुछ परचेजिंग करनी है तो मैं क्या करती थी शॉप पे जाती थी, शॉप वाले को बोलती थी भैया 1 किलो चीनी देना, भैया ये देना, भैया वो कपड़े देना, पर आजकल टाइम किसी के पास नहीं, आजकल टाइम शेड्यूल बहुत बिजी हो चुका है, तो इंसान क्या करता है घर बैठे ही उसको सब कुछ चाहिए, तो नया चीज़ शुरू हो गया ई कॉमर्स। जैसे जैसे हम इंसानों की इच्छाएं बढ़ती जाती है ना वैसे ही हमें और सुविधाएं मिलती जाती है, हम चाहते थे हमें बाहर धूप में निकलना ना पड़े, हमें घर बैठे ही सब कुछ मिल जाए, तो लोगों ने एक नई चीज इन्वेंट कर दी ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब एक सामान को दूसरे एक उपभोक्ता को एक सामान खरीदने के लिए बाहर जाने की बजाय अपने फोन पर ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो चीजें परचेज कर सकता है, या फिर दो डेफिनेशन हो गई इसकी, या तो कोई उपभोक्ता बिना बाहर गए चीज़ों को घर बैठे ही पा सकता है, जैसे OLX है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, अमेजोन है, बहुत सारी चीज़ सुनी ना ऊबर ओला ये सब भी क्या है घर बैठे ही बाहर कार आ जाती है, तो ये एक उपभोक्ताओं के लिए बेनिफिट हो गया, दूसरा हो गया ये बिजनेसमैन के लिए, बिजनेसमैन को भी अब बाहर शॉप खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, वो एक घर में भी एक रूम ले सकता है उसके अंदर अपना बिजनेस कर सकता है, कैसे फ्लिपकार्ट वालों को लिंक कर सकता है उनसे, उन्हें अपने ऑर्डर देगा, वो फ्लिपकार्ट का जो डिलीवरी बॉय है वो जाके उपभोक्ता को अपना सामान दे देगा, तो उपभोक्ता के लिए भी बेनिफिट हो गया, बिजनेसमैन के लिए भी बेनिफिट हो गया ई कॉमर्स। तो क्वेश्चन क्या है, ई कॉमर्स डोमेन जिसमें उपभोक्ता द्वारा शुरू की गई और व्यवसायिक गतिविधि शामिल है उसे क्या कहते हैं, कंज्यूमर टू बिजनेस, बी क्लाइंट टू बिजनेस, सी बिजनेस टू बिजनेस, डी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो तीन तरह के होते हैं ई कॉमर्स, B2B, ये शायद AC की वजह से, AC चल रहा है यहाँ पे इस वजह से ये थोड़ा लो हो गया है, B2B, B2C और C2C। ठीक है, B2B में क्या होता है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब मैंने क्या किया, मैंने बिजनेस के थ्रू बिजनेस के लिए किसी चीज़ को बेचा, सामने वाले को भी उस चीज़ को यूज़ नहीं करना है, उसने भी क्या किया उस चीज़ को बेचने के लिए ही खरीदा, मतलब यहाँ पर दोनों कैंडिडेट को उस चीज़ को काम में नहीं लेना, उन्होंने सिर्फ पैसे कमाने के लिए वो चीज़ खरीदी। जैसे होलसेल मार्केट में क्या होता है, मैंने होलसेल मार्केट में जाके सामान खरीदा, होलसेल वाले ने भी क्या किया बेचने के पर्पज़ से मुझे सामान दिया, मैंने भी क्या किया आगे बेचने के पर्पज़ से सामान लिया, तो बिजनेस टू बिजनेस हो गया। B2C क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर, क्लाइंट कुछ नहीं होता है इसके अंदर, क्लाइंट और सी में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, क्लाइंट है या कंज्यूमर है, तो ये कंज्यूमर है। बिजनेस टू कंज्यूमर में क्या होगा, आगे वाला मुझे बिजनेस के थ्रू बेचेगा और मैं उसको यूज़ करूँगी, जैसे फ्लिपकार्ट मान लीजिए, फ्लिपकार्ट क्या करता है, मैंने गया मुझे नया फ़ोन दिखा मैंने लिया, फ़ोन उसने बेचा किसके बिजनेस होने के नाते, मैंने क्यों फ़ोन लिया, मुझे आगे बेचना थोड़े ना है उस फ़ोन को, मुझे क्या करना है उस फ़ोन को काम में लेना है, तो मैं क्या हुई कंज्यूमर, फ्लिपकार्ट वाला क्या हुआ बिजनेस, तो ये हो गया बिजनेस टू कंज्यूमर। थर्ड आता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, इसका मतलब OLX, अलीबाबा या फिर क्विकर, इसमें क्या होता है मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, मुझे ये पेन बेचना है, मैंने OLX पे डाल दिया, खरीदने वाला भी कोई बिजनेसमैन नहीं है, उसको भी वही खरीदना है काम में लेने के लिए, तो हम दोनों क्या हो गए कंज्यूमर,
मेरा कोई बिजनेस नहीं है, उसका भी कोई बिजनेस नहीं था, तो हम दोनों क्या हुए, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस, तो होलसेल मार्केट से समझ लीजिए आप, बिजनेस टू कंज्यूमर फ्लिपकार्ट मिंत्रा अमेजोन, कंज्यूमर टू कंज्यूमर अलीबाबा डॉट कॉम ओएलएक्स डॉट कॉम क्यूकर डॉट कॉम से समझ लीजिए। तो क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें उपभोक्ता द्वारा शुरू की गई और व्यवसाय गतिविधि शामिल है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलेंगे ए ऑप्शन, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस या बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वव्यापी WWE के आविष्कार और प्रवर्तक कौन है, टिम बर्नर्स-ली। विश्वव्यापी WWE के आविष्कार प्रवर्तक और प्रवर्तक कौन है, तो मैंने आपको पहले ही आंसर बता दिया था, टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने ही WWE का आविष्कार किया है। आज इसी की देन है, आज इन्हीं की देन है कि हम इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं, इंटरनेट का सही यूज हो पा रहा है, सिर्फ इसी काम की वजह से। अगर ये WWE बनाते ही नहीं तो आज हम बहुत सारी चीज़ें एक्सेस नहीं कर पाते, तो प्लीज़ इनका नाम तो आप बिल्कुल याद कर ही लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का जन्मदाता माना जाता है, ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। ईमेल की मैंने आपको हर एक चीज़ छोटी से छोटी चीज़ बता दी थी, अब इसका एक ये पॉइंट रह गया था, चलो एक क्वेश्चन में आ ही गया है तो मैं बता देती हूँ। ईमेल का जन्मदाता है सी आर टॉम लिंसन, कौन है, आर टॉम लिंसन। WWE के जन्मदाता कौन है, टिम बर्नर्स-ली। ईमेल के जन्मदाता है आर टॉमलिंसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है, इंटरनेट का जनक माना जाता है डी ऑप्शन, व्रिंट सर्फ। किसको, व्रिंट सर्फ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML भाषा के प्रोग्राम को रन के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। HTML के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एक वेब ब्राउजर होता है, एक वेब ब्राउजर हो गया क्रोम, ठीक है, इस पे मैंने डाला गूगल, इस पे मैंने डाला WWW, श्री संबंधी क्लासेस, मुझे चाहिए श्री संबंधी क्लासेस की जानकारी। तो अब क्या होगा, श्री संबंधी क्लासेस की जितनी WWW क्या करेगा, इस जानकारी को भेजेगा वेब डॉक्यूमेंट के पास। वेब डॉक्यूमेंट क्या होता है, वेबसाइट का समूह, ये भेजेगा वेबसाइट के पास, और वेबसाइट की सारी वेबसाइट होती है समृद्धि क्लासेस, ओएलएक्स, फ्लिपकार्ट, इन सब की नॉलेज, इन सब की जानकारी होती है वेबसाइट में। और अब इन सबको डिजाइन कौन करेगा, इन सबको डिजाइन कौन करेगा, इस चीज को डिजाइन किसने किया, इस चीज को किसने डिजाइन किया, इस चीज की कोडिंग, ये इन सबकी क्या होती है, कोडिंग। तो इन सबकी कोडिंग करी HTML ने, हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ने इन सब की कोडिंग करी, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, HTML भाषा के प्रोग्राम को रन करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर ही क्या है, हमारा वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर सिर्फ क्रोम ही नहीं है, मैंने तो बस एग्जाम्पल देने के लिए बताया कि क्रोम एक वेब ब्राउजर है, इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक वेब ब्राउजर है, इसके अलावा भी बहुत सारे वेब ब्राउजर है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट 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 प्राय किसी पीसी में ईमेल अटैचमेंट के जरिए डिलीवर होते हैं और उन्हें प्राय नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। क्वेश्चन को समझते हैं पहले, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड डाउन कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन समझिए, फिर ही ऑप्शन पे आइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से ऐसा कौन कौन है जो हमारे कंप्यूटर में ईमेल के द्वारा अटैच होता है, ईमेल के द्वारा वो हमारे कंप्यूटर में आता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। ए वायरस, बी स्पैम, सी पोर्टल और डी ईमेल संदेश। ईमेल, चलो पीछे से शुरू करते हैं, ईमेल संदेश। ईमेल संदेश अगर हमें नुकसान पहुंचाते तो हम मेल करते ही क्यों, मुझे कोई मेल करना है, मैंने आपको मेल किया, अगर ये नुकसान पहुंचाते हैं, एक दूसरे को मेल करना, एक दूसरे को संदेश भेजना, तो हम मेल करते ही क्यों, तो ये ऑप्शन